अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रखते हैं तो चाहे कोरोना ही क्यों ना हो, आप बहुत सारी बीमारियों से आराम से बच सकते हैं और हेल्दी भी रह सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए की। वैसे तो खाने में हमें विटामिन ए मिल जाता है, अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं है तो हम इस एक्वासोल नाम से जो कैप्सूल आता है इसको रोज एक खाना खाने के बाद ले सकते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को काफ़ी बूस्ट करने में मदद करता है। ध्यान रखें कि कुछ दिन खाने के बाद इसमें हमें गैप जरूर करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पर कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। दूसरा विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत मदद करता है। ये हमें खट्टी चीजों से भी मिलता है, चाहे नींबू हो या कोई और। अगर आप नींबू पानी नहीं पीते हैं या कोई खट्टी चीज नहीं खाते तो आप लिमसी नाम से जो टैबलेट आती है ये आप ले सकते हैं, बहुत सस्ती है, 1 रुपए में 1 टैबलेट मिलती है, इसको भी आप ले सकते हैं रोज एक, या फिर अगर आप 2 खाना चाहें तो 2 टैबलेट भी आप रोज ले सकते हैं। ये पूरी भरपूर विटामिन सी से है और ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगी। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई इवियन 400 नाम से आते हैं, ये कैप्सूल भी आप खाना खाने के बाद 1 कैप्सूल रोज ले सकते हैं, ये भी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे विटामिन डी। विटामिन डी भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन के साथ में अवेलेबल रहता है, अगर आप विटामिन ए और डी का कॉम्बिनेशन लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, ये भी आराम से अवेलेबल रहते हैं, बहुत चीप रहते हैं कुछ इस तरह से इस पैकिंग में। और ये भी आप इसमें से छोटी 2 गोलियां जो होती हैं उनको रोज 2 बार ले सकते हैं और ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काफ़ी मदद करेंगे। वैसे देखा जाए तो ये सारे विटामिन हमारे खाने में हमें मिल जाते हैं, लेकिन अगर डाइट अच्छी नहीं है, दिन में हम 2 बार खाना खाते हैं या फिर ध्यान नहीं देते या फिर बाहर का खाना खाते हैं तो फिर विटामिन की कमी हो जाती है। तो ध्यान रखिए कि घर में बना हुआ खाना खाइए, कम से कम 3 बार तो घर में भर पेट खाना खाना है। सुबह को अगर कहीं भी जाना है तो खाना खा के जाना है, खाली पेट नहीं जाना है। दूसरी बात, जो बेकरी प्रोडक्ट होते हैं जैसे ब्रेड, फैन, पापड़, बिस्किट, इससे सुबह का नाश्ता नहीं होना चाहिए, बल्कि दलिया, चना या फिर रोटी, ये आपको सुबह को लेना चाहिए। सिंपल है, बहुत आसान तरीके से इसको मैनेज करना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। अगर आपकी अच्छी डाइट है तो आपको दूसरे विटामिन की जरूरत नहीं है। अगर आप विटामिन को खाने के रूप में ही पूरा कर लेते हैं तो भी ऑर्डिनरी विटामिन की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं आपको ये लगता है कि नहीं मुझ में कुछ कमी है तो आप उनको लेकर अपनी इस कमी को पूरा कर सकते हैं और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।